नमस्ते भैया, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे दुकान श्री कामधेनु टेक्सटाइल में और हमारे यूट्यूब चैनल श्री कामधेनु ग्रुप में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आज कुछ सवाल ऐसे हैं जो ग्राहकों के मन में भी खटकते हैं, हमारे मन में भी खटकते। समय ग्राहक नया स्टार्ट करता तो कंफ्यूज होता है हमारे को क्या करना चाहिए, और हमारे को भी समझ में नहीं आता ग्राहक को सेटिस्फाई कैसे करते। तो कुछ ऐसे सवाल हम लेकर आए जिससे क्या आप भी संतुष्ट हो जाए और हमारे को भी तकलीफ नहीं पड़े। कई बार ग्राहक को भी समझने में मिस्टेक हो जाती है और हमारे को भी ग्राहक को समझाने में मिस्टेक हो जाती है। क्या धंधा करने के लिए दोनों में अंडरस्टूड बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है। अब जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है कि आपने क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, पहला क्वेश्चन मेरा यह है, कस्टमर ज्यादातर के अपने फोटो भिजाते हैं कस्टमर को। हाँ। फोटो भिजाने के बाद में कस्टमर देता है ऑर्डर उसका, भाई इसमें इतने पीस चाहिए। हाँ। अब कस्टमर की फर्स्ट शिकायत ये रहती है कि जो मैंने कलर सिलेक्शन किया, जो डिजाइन सिलेक्शन किया, सेम माल नहीं आता। हाँ। उसमें क्या अपने तो 500 पीस के। हाँ। देखो मैं एक बताता हूँ, हमारे पास क्या बहुत सारी डिजाइन बनती है। एक डिजाइन में क्या हमें 20 से 25 कलर बनाते हैं, तो क्या कलर चेंज होता रहता है। हम आपको सिर्फ 6 ही कलर की फोटो भेजते हैं, उसमें क्या कलर चेंज होते रहता है। हाँ, जितनी बार ऑर्डर है कुछ ना कुछ नया कलर आएगा। कई बार क्या, अगर आप ग्राहक बोलता है यही कलर चाहिए तो कलर ऑप्शन तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे बनारसी आइटम उनमें कम से कम 20-20 कलर बनते हैं, वर्क में 20-20 कलर बनाते हैं, तो कलर चॉइस में ऑप्शन नहीं है। अब वो डिजाइन हो आपके पास सेम डिजाइन मिलेगी। और कई बार क्या होता है, एक डिजाइन होती है ना, जैसे हमारा गीत गुजन है वो अभी बहुत चल रहा है, 200-250 रुपए का आइटम है, उसमें हम 50 डिजाइन बनाते हैं और हर 50 डिजाइन रिपीट होती है। तो गीत गुंजन की हम 6-7 फोटो भेजते हैं और उसमें से बोलते हैं आप पसंद कर लो। तो अगर आप बोलते हैं मेरे को यही डिजाइन यही कलर चाहिए तो वो कभी नहीं आएगा। उसमें डिजाइने चेंज होती है और डिजाइन हर बार नई देनी पड़ती है। फोटो जैसे आज बना ली तो वो फोटो हमारे 10 दिन तक चलती है और 10 दिन तक हमारे 50 डिजाइन आइटम चलते। आपको गीत गुंजन चाहिए तो गीत गुंजन मिलेगा और उसमें डिजाइन हमेशा चेंज होती रहेगी, हर बार नई डिजाइन आएगी। तो हमारी भी इच्छा रहती है कि नई डिजाइन डालें आपको। अगला सवाल, रिटर्न का क्या प्रोसेस है? कस्टमर जैसे ले जाने के बाद 10 दिन में जो नहीं बिकता वो रिटर्न लेके आता है। हाँ, इसके लिए कि ग्राहक क्या करता है कि माल उसके पास पहुंचा नहीं, हमारी कंपनी 10% रिटर्न का ऑप्शन देती है। जैसे आप माल लेके गए उसमें नहीं बिकता तो हम 10% रिटर्न लेते हैं, पर उसका भी एक प्रोसीजर है। ग्राहक क्या करता है कि जैसे माल पहुंचा 4-5 दिन में बोलता है भैया मेरे ये नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने इतना माल दुकान में भर कर रखा है, 3 माले की बिल्डिंग ये भरी है, हमारा गोडाउन भरा, पूरा माल एक साथ कभी भी नहीं बिकता। आप जो भी माल रखोगे ना, जैसे आपने 10-20 हजार का माल मंगाया, 25-50 हजार का माल मंगाया, तो उसमें 5 हजार का भी माल बिका ना, तो आपको उसमें नया माल डालना पड़ेगा। आप सोचोगे पूरा माल एक साथ बिक जाए और तो नहीं बिकेगा, और आप सोचोगे पूरा माल बेच के नहीं बिका एक साथ पूरा रिटर्न दे दो, वो भी नहीं होता। रिटर्न का प्रोसेस किस लिए रखते हैं कि भाई हमारे से ग्राहक जुड़ा रहे। भाई आप 20 हजार का माल लेके गए, 25 का लेके गए, 50 का लेके गए, उसमें आपसे 10% रिटर्न लाओ, तो हमारी रिटर्न इसलिए लेते कि आप नया माल लो। भाई नया माल देने के लिए रिटर्न का प्रोसेस रखते हैं ताकि हमारा भी धंधा चले रहा, आपको भी नुकसान नहीं हो। कई ग्राहक होता है 20 साड़ी लेके गए, 1 साड़ी नहीं बिकी, बोलो चेंज कर दो हमारे को दूसरा लेना, वो फिर बदली करके लेके गया, फिर दूसरे दिन आ जाता ये साड़ी चेंज करो, तो वो बिजनेस में कभी नहीं चलता, क्योंकि हम भी ज्यादा नुकसान नहीं खा सकते। रिटर्न का प्रोसेस यही है कि आपको माल लेके गए तो 2-3 महीने तक रखो, उसके बाद नहीं चलता तो उसमें 10% रिटर्न होता है। 10% रिटर्न से भी होता, आप नया माल लो तो उसमें आपका 10% रिटर्न हो जाएगा। कई बार कस्टमर होता है कि जैसे कि आज माल लिया उसने, आज आपने को पेमेंट किया और तुरंत ही मांगने लग जाता है कि हमारे LR कॉपी दे दीजिए, हमारा माल अभी पहुंचा कहाँ है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे ग्राहक हम उसके लिए मेहनत करते हैं 4-5 दिन में, उसको फोटो भेजते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, ग्राहक सोचता है कि आज पैसा डाला आज बिल्टी मिल जाएगी। जिस दिन आप पैसा डालते हो ना उसके दिन, उसके बाद हमारा पैकिंग चालू होता है। पैकिंग चालू होकर पैकिंग करने के बाद हम तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग दिखाने के बाद पैक होने के बाद भी जो पार्सल आता ना वो उठाने में 1 दिन लग जाता है। जैसे आज पैकिंग हुआ ना, आज निकल गया ना, तो भी ट्रांसपोर्ट दूसरे दिन ही पहुंचता है और हमारी बिल्टी आती है 2 या 3 दिन बाद में। इसलिए मैं सब ग्राहकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी आपने पार्सल लिया ना उसका 2 या 3 दिन बाद में बिल्टी आती है, क्योंकि हमारे एक पार्सल नहीं जाता, कम से कम 50 से 100 पार्सल जाते हैं, तो सब है ना अलग अलग जाते हैं, यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है ट्रांसपोर्ट, और एक जगह नहीं है, कोई ईस्ट में कोई वेस्ट में, लोरी वाला सब जगह जाता है, सब जगह पार्सल डालता है, फिर बिल्टी कलेक्ट करने में ही उतना टाइम लगता है। वो पार्सल डाल के हाथों बिल्टी नहीं मिलती हमारे को, आज पार्सल डालोगे तो दूसरे दिन उसका टोकन मिलता है, फिर तीसरे दिन वो टोकन ले जाके बिल्टी लानी पड़ती है, और हर जगह अलग अलग जाके लानी पड़ती है, इसलिए 2 से 3 दिन तो बिल्टी में लगते ही है। एक अपना कस्टमर का कंफ्यूजन है,
कि अपन ने ऑफर दे रखा है 20,000 प्लस का ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री और एक अपना चल रहा है सीओडी का, तो कस्टमर सीओडी से भी मंगाते हैं, डायरेक्ट पेमेंट करके पूरा पेमेंट करके भी मंगाते हैं, उनका दोनों का क्लियर कर दो थोड़ा। एक देखो ये बहुत बड़ी समस्या, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक ग्राहक जो दीदी लोग घर से जुड़ के धंधा करते हैं ना, उनके लिए रखा हुआ है कि अगर आप 20,000 से ऊपर का माल लोगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री है। उसमें क्या है, दीदी लोगों का भाड़ा भी नहीं लगता और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता, कोरोना की भी समस्या इसलिए आपको एक छुटकारा मिले। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने फुल पेमेंट किया और 20,000 से ऊपर का माल लिया ना, तो ट्रांसपोर्ट से माल जाता है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा हम फ्री करते हैं। ट्रांसपोर्ट भाड़ा 10 रुपये और 15 रुपये किलो ही है, तो हम फ्री कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सीओडी का। सीओडी में माल ट्रांसपोर्ट से नहीं जाता, कोरियर में जाता। कोरियर में आप ट्रांसपोर्ट से सीओडी में आप 20,000 से ऊपर का माल लेना रहता है आपको, उसमें 10,000 पहले कम से कम आपको डिपॉजिट करना रहता है, और 10,000 डिपॉजिट कर 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 कितना के माल मंगा सकते हो। पर सीओडी में हमारा ट्रांसपोर्ट भाड़ा फ्री नहीं है, क्योंकि सीओडी में कोरियर से माल जाता है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो हमारी कंपनी से उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट भाड़ा हमारा फ्री है। कोरियर अगर सीओडी कराते हो तो उसमें हमारा कोरियर और ट्रांसपोर्ट भाड़ा या कोरियर चार्ज फ्री नहीं है, वो कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट में माल 5 से 7 दिन में पहुंचता है, तो सीओडी में वही माल 10 से 12 दिन में पहुंचता है, उसके अंदर ही पहुंच जाता है। पर सीओडी में आप 4 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि जो कंपनी हमारे से माल उठाती है सीओडी का, वो 2-3 दिन तो या प्रोसेसिंग में भी आपके माल को लग जाता है। नंदू तेरा किस्सा। ज्यादातर कस्टमर रिटेल्स के आते हैं, रात को 12-12 बजे तक अपने फोटोज भेजते, लास्ट में पता चलता है कि उनको 1-2 साड़ी चाहिए, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनो, जितने भी कस्टमर है आप हमारे को इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरा होलसेल का धंधा है, हमारा रिटेल नहीं, हम रिटेल नहीं करते। हमारा मिनिमम ऑर्डर 15 से 20,000 का है, क्योंकि ये गुड़िया लोग दिन रात मेहनत करते हैं ग्राहक को सेटिस्फेक्शन के लिए, भाई ग्राहक को कोई गलती नहीं हो, क्योंकि गलती होती तो मैं भी डांटता उनको। तो वो क्या, एक ग्राहक हमारे से जुड़ता है, एक मिनट शांति रखना, ग्राहक हमारे से जुड़ता है ना, तो उसको हम कम से कम 1,000 से 1,200 फोटो भेजते हैं। बनारसी मांगता तो बनारसी भेजते हैं, कैटलॉग मांगता तो कैटलॉग भेजते हैं, वर्क मांगता तो वर्क भेजते हैं। फिर इतना भेजने के बाद 3-4 दिन खराब करने के बाद वो बोलता है 1 साड़ी लिए, तो क्या इस टाइप का भी मनोबल टूटता है। और फिर हम बोलते हैं भैया हम होलसेल है, हमारा रिटेल नहीं, तो वो ग्राहक का भी टाइम खराब होता है, हमारा भी टाइम खराब होता है। इसलिए बोल देता हूँ हमारा होलसेल का मिनिमम 15 से 20,000 का बजट हो तो ही माल मिलता है, सेट टू सेट मिलता है। हाँ, लेंगे में ये ऑप्शन है, सिंगल सिंगल करके भी आप 20 से 25,000 का माल ले सकते हो। भाई इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो, हमारे से शिकायत हो, तो मैं माफी मांग लेता हूँ। और कोई कमेंट में आप जरूर लेके भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे हमारे को पता नहीं चलेगा। आप हर कस्टमर छोटी छोटी शिकायत करेगा तो हम छोटी से छोटी शिकायत आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे से सपोर्ट होगा। अभी तो हमने स्टाफ की टीम भी बैठा ली आपके लिए, किसी भी ग्राहक को तकलीफ नहीं होती। फिर भी किसी ग्राहक को तकलीफ होती है तो कमेंट करो, और स्टाफ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। राधे राधे।